जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं दिवस याद करने की ट्रिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यह है वीडियो नंबर 3 है, इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सितंबर महीने से शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर है शिक्षक, बहुत जानते ही हैं, सिंपल है, लेकिन हम याद करेंगे। क्या है 5 शिक्षक? कितने शिक्षक? 5 शिक्षक मिलके 8 बच्चों को, 8 बच्चों को क्या किए? साक्षर किए, पढ़ाए लिखाए। ठीक है, साक्षरता, ठीक है, साक्षर किए। ठीक है, उसके बाद 5 शिक्षक मिलके 8 बच्चों को साक्षर किए, फिर भी उनका नंबर जो है हिंदी में खाली 14 नंबर आया। फिर भी उनका नंबर कितना आया? 14 नंबर। महागधा लड़के होंगे। ठीक है, 5 शिक्षक मिलके 8 बच्चों को पढ़ाए हैं, साक्षरता बनाए उनको। ठीक है, फिर भी उनका हिंदी में 14 नंबर आया है। ठीक है, एक कहानी में ये तीनों आपका याद हो जाएगा। यहाँ पर शब्द शिक्षक, यहाँ पर 100 आ रहा है, तो सितंबर महीने में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यहाँ भी आपका 100 आएगा, तो सितंबर सितंबर सितंबर, ये आपको तीनों एक लाइन में याद हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे देखेंगे साथियों, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर शब्द है ओजोन। ओजोन मतलब क्या है? एक परत है, उसी के लिए, साक्षर के लिए। ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो हम मानते हैं कि ओजोन परत से जो किरण आ रही है उससे बचने के लिए लड़कियां क्या करती हैं? 16 श्रृंगार करती हैं। दिमाग में बैठाएंगे कि ओजोन परत से बचने के लिए लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियां 16 श्रृंगार करती हैं। तो 16 से 16 और श्रृंगार से सितंबर, ओजोन परत से बचने के लिए लड़कियां क्या करती हैं? 16 श्रृंगार करती हैं। 16 से 16 और श्रृंगार से सितंबर हम याद कर सकते हैं, सिंपल है। आगे विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर लिखा है शांति। शांति कब मिलेगी? किस करने से? ठीक है, ज़्यादा शांति जिसको नहीं मिल रही है, किस करके देख ले, मिल जाएगी। क्या है? विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। क्या है? शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस साथियों 27 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर है दोनों साथ गए हैं, 2 और 7। ठीक है, तो पर्यटन देखने दोनों साथ गए हैं, तो दो साथ दोनों साथ गए हैं। ठीक है, याद कर सकते हैं। आगे है विश्व रेबीज डे। तो रेबीज में शब्द है, आर से हो जाएगा 2, अब ब से हो जाएगा, बीज मने 8, बैठाएंगे तो बैठ जाएगा, ये ब को काट दिया है आधा आधा, तो हो जाएगा 8 सितंबर को मनाया जाता है। सिंपल है, याद हो गया, सिंपल है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी के जयंती पर। सिंपल है। आगे है विश्व शिक्षक दिवस। बोलेगा खाली शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर, अब विश्व का बोलेगा तो 5 अक्टूबर। ठीक है, विश्व का 5 अक्टूबर। आगे है भारतीय वायुसेना दिवस, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर शब्द है वायु, वायुसेना। तो थल सेना हम बताए थे, थल माने थाली, और थाली में क्या है? पानी। तो 15, पानी से 15 जनवरी, थल सेना दिवस। यहाँ पर लिखा है भारतीय वायुसेना दिवस। तो वायु में क्या है? वायु किसे बोलते हैं? मान लीजिए ऑक्सीजन को बोलते हैं वायु, ऑक्सीजन को वायु बोलते हैं ना, तो ऑक्सीजन कैसे लिखाता है? O2। क्या बोलते हैं? O2। तो यहाँ क्या है? ओ कई बार है, 2 बार है, तो इसका मतलब एक ओ और एक ओ, मतलब क्या बन गया? 8, 8 से 8, ऑक्सीजन से अक्टूबर, और से ऑक्सीजन और से अक्टूबर। तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। सिंपल है, याद हो जाएगा। आगे है विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द डाक। आदमी डाक देने जाता है, मान लीजिए किसी का घर ऐसा जगह है कि गाड़ी का कोई साधन नहीं है, तो किससे जाएगा? नाव से जाता है डाक देने। किससे? नाव से। ठीक
ठीक है, डाक देने, डाकिया किससे जाएगा, नाव से जाएगा, तो कह सकते हैं नाव, नौ नौ, नाव से नौ, ठीक है। और डाकिया डाक देने जा रहा है अक्टूबर महीने में, ठीक है, सिंपल है। एक बार दोहरा ले का दोहरा लेते हैं, देखिए, पांच शिक्षक 8 बच्चों को साक्षर किए, आ फिर भी उनका हिंदी में 14 नंबर आया, 14 सितंबर। ये तो सिंपल भी है, याद भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विश्व ओजोन दिवस, ओजोन से बचने के लिए लड़कियां क्या करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, तो 16 सितंबर, ठीक है। विश्व शांति दिवस, शांति लेना है, शांति पाना है, तो किस करना पड़ेगा, तो किस से, 21 सितंबर। आगे है विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन देखने कौन गया था, दोनों साथ गए थे, साथ में, 2-7 सितंबर। आगे है रेबीज, रेबीज का 2-28 सितंबर। विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा, अहिंसा 2 तारीख को। विश्व शिक्षक 5 अक्टूबर को। वायु माने O2, O2 से डबल O लगा दो, 008 हो जाता है, तो 8 अक्टूबर। और विश्व डाक, नाव से जाता है आदमी डाक देने, सिंपल है, याद हो जाएगा। आगे देखेंगे साथियों, इधर देखते हैं पुलिस स्मृति दिवस। पुलिस स्मृति दिवस कई तारीख को मनाया जाता है, 21 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर में मनाया जाता है। तो कौन कौनो आदमी जो है क्या कर रहा है, किस कर रहा है, क्या कर रहा है, किस कर रहा है, 21 माने किस कर रहा है, तो पुलिस क्या करेगी, कहेगी इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, देखेगी तो बुलाएगी, इधर आ भाई, इधर आ। आज से अक्टूबर में मनाया जाता है, कोई जब किस करता है, ठीक है, अक्टूबर, ठीक है, आसान है। आगे है संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस, 24 अक्टूबर, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 24 अक्टूबर, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है राष्ट्रीय एकता, ये 24 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे है राष्ट्रीय एकता दिवस, एकता, एकता से 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, एकता 31, सिंपल है, बैठ जाएगा अक्टूबर, ठीक है। महीने महीने भाई याद करेंगे, आपको आसानी से याद रहेगा, इतना आसान ट्रिक बना दिए हैं भाई कि सही बताएं, अगर विश्वास नहीं मानोगे, अगर सही से पढ़ोगे, एक बार मेरा वीडियो देख लो, एक बार उसका जो लिखे हो उसको देख लो, आपको याद हो जाएगा। फिर 2-3 दिन बाद अगर दोहरा लीजिएगा, और पेपर से 2 दिन पहले दोहरा लीजिएगा, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, हम बताए थे कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो कैंसर का आदमी जब किसी को कैंसर होता है तो चीर फाड़ करता है, तो चीर से 4 और फाड़ से फरवरी, कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन कहता है क्वेश्चन क्या, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस तो 7 नवंबर को मनाया जाता है, क्या है, 7 नवंबर। तो कैसे याद करेंगे, कैंसर की जागरूकता करना है, कैंसर की जागरूकता, तो 7 नवंबर, मान लीजिए चीर फाड़ किए, आ चीर फाड़ होने के बाद आदमी क्या करेगा, उसको सटाएगा ना सटाएगा, ये फाड़ के फिर उसको फटाना पड़ेगा, ठीक है, तो सटाना से 7, सटाना से 7, और नंबर, नवंबर हम याद कर सकते हैं नंबर, इसको नंबर समझ सकते हैं, 7 नंबर की सुई लगा के सी दिया, सटा दिया, ठीक है। आगे है परिवहन दिवस, 10 नवंबर को मनाया जाता है परिवहन दिवस, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में परिवहन एक टॉपिक भी है, तो परिवहन दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो परिवहन में क्या समझते हैं, बस, बस देखे हैं भाई, बस, बस चलती है, वही परिवहन का मेन कमाने का साधन है बस, तो बस माने 10, 10 माने बस, 10 पर बस, ठीक है, तो परिवहन 10 नवंबर को मनाया जाता है। आगे है बाल दिवस, 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। क्वेश्चन पूछेगा युवा दिवस को मनाया जाता है, तो युवा कै साल का होता है, 12 साल का, तो 12 जनवरी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि बाल दिवस, बाल, तो बालक की उम्र कितनी होती है, 14, कैसे, कारखानों में क्या लिखा है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को अधिक खतरनाक काम नहीं करना है, अनुच्छेद 24, ठीक है, तो वही चीज़ है, बालक 14 वर्ष, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बालक का 14 वर्ष से नाम होता है डिनोट, ठीक है, तो 14 से 14 नवंबर। आगे है विश्व मधुमेह दिवस, मधुमेह दिवस पूछ रहा है, विश्व में पूछ रहा है, तो 14 नवंबर,
कितना पॉइंट खून होता है शरीर में, 14 पॉइंट, तो 14 से 14, ठीक है। नवंबर याद करना है, नंबर, ठीक है, ये विश्व का पूछेगा तब, ठीक है। अब पूछेगा ऐसे खाली मधुमेह दिवस, तो 14 जून, 14 पॉइंट खून होता है प्रत्येक जन में, ट्रिक बता चुके हैं। आगे है विश्व शौचालय दिवस, 19 नवंबर को मनाया जाता है शौचालय, आदमी शौचालय जाता है तो एन्नी उन्नी देखता है, एन्नी उन्नी, ठीक है, तो 19 से 19, भोजपुरी भाषा में बोलते हैं इन्नी उन्नी, इन्नी उन्नी देखता है तो इन्नी से 19 से 19, ऐसे हम कह सकते हैं। या जिसको नहीं है पता है वो कह सकता है शौचालय आदमी नाइट में जाता है, नाइट से नाइट में जाता है, तो नाइट से 19, ठीक है। आगे संविधान दिवस, संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही सिंपल है, इससे बढ़िया कोई सिखाने वाला नहीं है। आइए साथियों आगे देखेंगे, आगे क्या है एड्स दिवस, जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो एड्स दिवस ये तो सिंपल है, जानते ही होंगे, 1 दिसंबर को मनाया जाता है शुरुआती समय, ठंडी के समय मनाया जाता है, शुरुआत ठंडी में, ठीक है। 1 दिसंबर आप देखे भी होंगे ये वाला चित्र, ध्यान से देखिएगा कहीं मिलेगा। आगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर पे भैया आजकल 2 नंबर धंधा खूब हो रहा है, ठीक है, 2 नंबर का धंधा हो रहा है आजकल, ठीक है, याद हो जाएगा। आगे है विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, क्या है 3 दिसंबर, तो विकलांग का गाड़ी देखे होंगे, एगो आगे चक्का होता है, दो पीछे चक्का होता है, ये है विकलांग की साइकिल, ठीक है, ये है विकलांग की साइकिल में 3 चक्का लगा होता है, तो 3 दिसंबर। दिसंबर हम नहीं याद करेंगे क्योंकि लास्ट महीना चल रहा है, लास्ट महीना का आप आराम से याद कर सकते हैं, दिसंबर जनवरी का महीने में कोई दिक्कत नहीं होता है। आगे है नौसेना दिवस, क्या है 4 दिसंबर, तो नेवी, नेवी में 4 अक्षर होता है, तो 4 दिसंबर। आगे है झंडा दिवस, जो कि 7 दिसंबर को मनाया जाता है झंडा, और झंडा कैसा होता है, ऐसा होता है साथियों, ऐसा, तो यही 7 की तरह इसका आकृति दिख रही है, तो कह सकते हैं 7 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, वेरी वेरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का है, क्या है 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस, अपना अधिकार कितना है 10 पे बस, ठीक है 10 दिसंबर। आगे है किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस, किसान जो है भैया दिन रात मेहनत करता रहता है, तो 2-3, ठीक है 2-3 घंटा खाली सोता है। आगे है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, उपभोक्ता मतलब 24 घंटा आदमी खाता रहता है, खाने से उपभोग करता है उसका, कई घंटा 24 घंटा 24 दिसंबर। आगे है CRPF स्थापना दिवस 28 दिसंबर, वेरी वेरी ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस तरह से दिवस आपका होता है समाप्त, ठीक है। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।